So today we are going to start with another chapter of 10th class, that is the periodic classification of elements, जिसमें आप लोगों को पूरे के पूरे elements के बारे में study करना है. You are supposed to learn about how many elements are there in the periodic table, how the periodic table was modified and new या फिर modern periodic table जिसको बोलते हैं वो आया कहाँ से actually. हर चीज का कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एटॉमिक थ्योरी के लिए डाल्टन ने सबसे पहले शुरुआत की थी, सो वैसे ही मॉडर्न या फिर पीरियोडिक टेबल के लिए भी स्टार्टिंग हुई होगी कहीं ना कहीं से. हम लोगों को इस चैप्टर में वही स्टडी करना है कि पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कितने एफर्ट्स लगे, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बना तो उसके पीछे के जो भी बैकग्राउंड थ्योरी है हम लोगों को वो स्टडी करना है. प्लस वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल द साइंटिस्ट दैट वर इन्वॉल्व, देयर थ्योरीज, अवेलेबल एलिमेंट्स जो थे उनके साथ उन लोगों की क्या थ्योरीज थी एंड रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट चैप्टर कंसर्न्स विद. इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे अबाउट डुबराइनर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. वी विल ऑल्सो कवर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ पायनियर for the modern periodic table. Then we have to cover Henry Moseley's modern periodic table. Then we are supposed to cover the trends in the modern periodic table, ki wo left to right kya trends hai, up to down kya trends hai, metals kya hote hain, non-metals kya hote hain, metalloids kya hote hain. So we are supposed to cover a lot of syllabus in this chapter and this chapter will actually give you an overview how chemistry actually works. So first of all, let's try to start or let's understand what this chapter actually means and why it is needed in our lives. So जैसा कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है. अब सीधी सी बात है, आप अगर किसी मॉल में जाते हो और अगर उस मॉल में रैंडमली कपड़े अरेंज है, फॉर एग्जाम्पल देर इज नो सेक्शन फॉर किड्स और वुमेन और मैन, देर इज नो सेक्शन एज सच, सारे के सारे कपड़े एक जगह पे मिक्सड है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने सिर्फ एक जगह पे सिर्फ रैंडम कपड़े मिक्स करके रखे हुए हैं एंड यू वांट टू फाइंड आउट सूटेबल क्लोथ फॉर योरसेल्फ, सो आप नहीं पता कर पाओगे कि आपका कपड़ा कहाँ रखा हुआ है. यू हैव टू सर्च अ लॉट, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा जिसकी वजह से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा या फिर आपका एक बार में मन ही हट जाएगा कि नहीं मुझे नहीं ढूंढना है ऐसी जगह पे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स के बारे में, तो ऑर्गेनाइजिंग एनीथिंग हेल्प्स यू मेकिंग द सर्च इजी और इट आल्सो हेल्प्स यू टू लर्न अबाउट थिंग्स वेरी वेरी नाइसली. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेनबो के बारे में सब जानते हैं, रेनबो के बारे में एवरीबडी नोज अबाउट रेनबो. रेनबो हैज मेजर 7 कलर्स, आई एम सेइंग मेजर 7 कलर्स. उनके जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, देयर आर अ मिलियन, मोर देन अ मिलियन कलर्स. तो कलर्स के बारे में नॉलेज जो है वो हमें तभी आएगी जब हम उनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे. सो क्लासिफिकेशन हेल्प्स यू स्टडी अबाउट एवरीथिंग वेरी वेरी नाइसली. सो क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे वो एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करते हुए आगे बढ़ती जाए. अगर मैं किसी मेटल के साथ नॉन मेटल रख दूं या फिर अगर मैं किसी इंग्लिश की बुक के साथ अगर मैथ्स की बुक मिक्स करके रख दूं, सपोज हम लोग स्कूल जा रहे हैं या फिर सपोज आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो आप अपने जो भी अरेंजमेंट रहती है सारे के सारे बुक्स की वो प्रॉपरली अरेंज करके जाते हैं. अगर आपने रैंडमली कोई भी बुक बैग में डाल ली तो आप कोई बुक भूल सकते हैं या फिर कोई बुक फालतू में जा सकती है स्कूल में जो कि वेस्ट हो जाएगा. तो हम लोगों को क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी चीज की स्टडी बहुत इजी हो सके. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. देन वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी. अब पीरियोडिसिटी एक वर्ड है जो इस चैप्टर में काफी बार इस्तेमाल होने वाला है, स्पेसिफिकली दो पीरियोडिक टेबल के लिए, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड हेनरी मूज़लीज़ पीरियोडिक टेबल. इन दोनों पीरियोडिक टेबल के लिए पीरियोडिसिटी वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है. सो पीरियोडिसिटी वर्ड सिंपली मीन्स दैट द पैटर्न शुड रिपीट अगेन, देयर शुड बी अ पैटर्न टू इट. और टेक्निकली किसी चीज की इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी चीज को अरेंज करना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मॉल में ही जाते हैं तो कपड़ों का अरेंजमेंट किसी तरीके से होता है. साइज की बात कर लेते हैं तो पहले स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर डबल एक्सएल अरेंज होता है. सो देयर इज अ पैटर्न, सो देयर इज अ पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द क्लोथ्स. सो पीरियोडिसिटी सिंपली मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग. लेट मी टेल यू एनीथिंग. Periodicity of is simply arrangement of anything in terms of increasing or decreasing order, but there should be an order. The importance is order.
आपका अरेंज इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में, बट देयर शुड बी एन ऑर्डर इन दैट. प्लस अदर देन दैट, हम लोगों को अर्ली क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है. तो अगर देखा जाए इस चैप्टर के बारे में, तो हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है.